अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं कलेजी फेफसा मसाला। तो जिसे बनाने के लिए मैंने 1/2 किलो कलेजी फेफसा ले लिया है। इसको मैंने बॉईल कर लिया है हल्दी के पानी में। नमक नहीं डाला था, सिर्फ हल्दी डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया है ताकि जो इसकी एक्स्ट्रा स्मेल हो वो चली जाए। नमक डालने से कलेजी सख्त हो जाती है, कड़क हो जाती है, इसलिए नमक ऐड अभी नहीं करेंगे। ये 2 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। खड़े मसालों में 2 छोटे तेज़पत्ते, दालचीनी, लौंग और काली मिर्चें ली हैं। 2 बड़ी साइज़ की प्याज है और 2 बड़े साइज़ के टमाटरों को मोटा मोटा चॉप कर लेना है। मसालों में 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। तो अब हम सबसे पहले प्रेशर कुकर ले लेंगे। इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम होने के बाद खड़े मसाले डालेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन को दबाना ज़रूरी है, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी। तो ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हमारी प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। और इसका कच्चापन खत्म होने तक इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है। अदरक लहसुन भून चुका, अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों को भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब जो मैंने मसाले आपको बताए थे वो सारे इस वक्त ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और मसालों को भून लेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। तो देखिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हम भून लेंगे थोड़ा, 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखिए, 2-3 मिनट इसको लो फ्लेम पे पकाया है, टमाटर गल चुके हैं, देख सकते हैं आप। अब इसमें कलेजी और फेफसा ऐड कर देंगे और इसको भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है। थोड़ा हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए। तो देखिए, अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। 1 ग्लास के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि हम मसाला बना रहे हैं, सालन नहीं बना रहे हैं। अब पानी ऐड करने के बाद लीड से कवर कर देंगे और इसमें 4 सीटी ले लेना है। जैसे हम गोश्त को गलाते हैं उसी तरह से इसको गलाना है हमें। तो ये देखिए, 4 सीटी हो चुकी है। चेक कर लेते हैं कि कलेजी हमारी गली है कि नहीं। तो ये देखिए, कलेजी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब लास्ट में हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। पहले इसमें सॉल्ट ऐड नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले सॉल्ट ऐड करने से कलेजी सख्त हो जाती है, सॉफ्ट नहीं रहती। तो लास्ट में नमक ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून के करीब। इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी डालने से कलेजी का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। इन सबको मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए, बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो हमारी मज़ेदार सी कलेजी फेफसा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। इसको गार्निशिंग करेंगे चॉप किए हुए हरे धनिए से और हरी मिर्चों से। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।